शीर्षक द एडवेंचर्स ऑफ स्पार्की द रोबोट। ऊंची इमारतों और चहल पहल वाली सड़कों वाला सिटीस्केप। एक रोबोटिक कुत्ता स्पार्की फुटपाथ पर चलता हुआ दिखाई देता है। यह स्पार्की है, एक दोस्ताना रोबोट कुत्ता जो शहर का पता लगाना पसंद करता है। स्पार्की इधर उधर देखता है, अपनी पूंछ को उत्साह से हिलाता है। अचानक वह पास के एक पार्क में खेल रहे बच्चों के एक समूह को देखता है। वूफ वूफ, हेलो बच्चों, मैं स्पार्की हूँ। वाह रोबोट कुत्ता, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे? हाँ कृपया। स्पार्की गेंद को पकड़ने के लिए अपने अंतर्निर्मित सेंसर का उपयोग करते हुए बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। स्पार्की को बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसे पूरा करने का एक मिशन भी था। स्पार्की को अचानक उसकी स्क्रीन पर एक संदेश मिलता है। बीप बीप, मेरे पास एक मिशन है, मुझे शहर में लापता खिलौना ढूंढना होगा। स्पार्की अपने मिशन पर निकलता है, सड़कों पर दौड़ता है और लापता खिलौने को ऊपर और नीचे खोजता है। स्पार्की लापता खिलौने को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था, चाहे कुछ भी हो। स्पार्की रास्ते में विभिन्न बाधाओं का सामना करता है, जिसमें एक आवारा बिल्ली और एक व्यस्त निर्माण स्थल शामिल है। बीप बीप, मुझे लापता खिलौना ढूंढना होगा, कोई बाधा मुझे रोक नहीं सकती। अंत में स्पार्की एक खिलौने की दुकान के पीछे डंपर में लापता खिलौने का पता लगाता है। वूफ वूफ, मुझे यह मिला, मिशन पूरा हुआ। स्पार्की ने अपना मिशन पूरा कर लिया था, लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ था। स्पार्की उस कृतज्ञ बच्चे को खिलौना लौटाता है जिसने इसे खो दिया था। धन्यवाद स्पार्की। वूफ वूफ, आपका स्वागत है। स्पार्की ने एक नया दोस्त बनाया और अपना मिशन पूरा किया। वह शहर में अपने अगले साहसिक कार्य की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। स्पार्की सूर्यास्त में चल रहा है, खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा है।